हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूंगी आईजीकॉन गोल्ड क्रीम की। ये एक मेडिकेटेड फेस क्रीम है, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम में ये काम करती है। तो ये 20 ग्राम के ट्यूब में आती है और इसका प्राइस जो है 165 रुपीज़ है। ये आपको हर कोई मेडिकल स्टोर में ईजिली मिल जाएगा। सो गाइज, आज के वीडियो में हम जानेंगे ये क्रीम को क्यों यूज़ किया जाता है, कब लगाना है, इसका रिजल्ट कैसा है, किस टाइप की स्किन के लिए सेफ है, किन को यूज़ नहीं करना है और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है इसको लगाने से। ये सबके बारे में डिटेल में जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आपके पास पहुंच रहे। सो गाइस, सबसे पहले जान लेते हैं इसमें डाले गए कंपोजिशन के बारे में, ये क्या काम करता है। तो सबसे पहले इसमें है बेथामेथासोन, जो एक कार्टिकोस्टेरॉइड है। ये इंफ्लामेशन को कम करता है, स्किन पर जो रेडनेस जलन होती है उसको रिलीफ देता है। दूसरा है क्लिनामाइसिन, तो क्लिनामाइसिन एक एंटीबायोटिक है। ये एक्ने पिंपल को रिड्यूस करता है, पिंपल में होने वाले बैक्टीरिया को फैलने नहीं देता। उसके बाद जो है विटामिन ई, तो विटामिन ई जो है स्किन पर ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। बात है सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड जो है स्किन पर जमी डेड डैमेज स्किन को हटाता है, स्किन के रंग निखारने में हेल्प करता है, साथ ही दाग धब्बे के ऊपर भी अच्छा काम करता है। तो उसके बाद है निकोटिनामाइड, तो निकोटिनामाइड जो है ओपन पोर्स को साइज को कम करता है, एक्ने पिंपल को रिड्यूस करता है, साथ ही दाग धब्बे को भी रिड्यूस करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, झुर्रियों को कम करता है। सो गाइज, आपको पता चल ही गया होगा कि ये क्रीम क्या काम करती है। तो ये एक्ने पिंपल के ऊपर अच्छा काम करती है, चेहरे का रंग निखारती है, दाग धब्बे को रिड्यूस करती है, अंडर आई डार्क सर्कल के ऊपर भी अच्छा काम करती है, रिंकल फाइनलाइंस को कम करती है, चेहरे को चमकदार बनाती है, तो स्पॉटलेस बनाती है। गाइज, ऐसे तो ये क्रीम को जो है सुबह शाम दोनों टाइम यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी सलाह माने तो ओनली नाइट में ही यूज करें, क्योंकि इसमें एस्ट्रॉइड का भी यूज किया गया है। दिन में ये क्रीम जो है नुकसान कर सकती है अपने फेस पर लगाने से। दिन में सनस्क्रीन का अप्लाई जरूर करें अपने चेहरे पर, सन से प्रोटेक्ट जरूर करें स्किन को। सो गाइस, अब बात करते हैं किस टाइप की स्किन के लिए सुइटेबल है। तो इसे ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई नॉर्मल स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सेंसिटिव स्किन के लिए सेफ नहीं है। सेंसिटिव स्किन पर जो है और भी ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं, स्किन पीलिंग हो सकती है, स्किन लाल हो सकती है, स्किन पर जलन हो सकता है, तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसे यूज़ करने के बाद। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी से कुछ हेल्प मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।